सऊदी बायो एप्लीकेशन, फिंगर स्कैनिंग, हज फॉर्म या एग्रीमेंट की तस्दीक का अमल हमने अपने ऑफिस में किस तरह से किया वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहला जो मरहला था वो था सऊदी बायो एप्लीकेशन के ज़रिए फिंगर की स्कैनिंग, वो हमने अपने ऑफिस में किस तरह से की वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो हुजाज कराम हमारे ऑफिस में आए, सबसे पहले हमने उनकी तस्वीर बनाई, उसके लिए प्लेन बैकग्राउंड हमने यहाँ पर अपना एक अरेंजमेंट किया। वहाँ पर उनकी तस्वीर स्कैन करने के बाद जो नेक्स्ट मरहला था वो था उनके जो फिंगर्स हैं उनको स्कैन करने का। स्कैन करने का जो ये मरहला था थोड़ा सा मुश्किल था, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी से जो है हमें फेस करना पड़ी। कुछ मुसाफिरों की फिंगर्स जो हैं वो सही तरह से स्कैन नहीं हो सकी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मोस्टली पैसेंजर्स थे उनकी बायो एप्लीकेशन हो चुकी थी और उनकी फिंगर्स की जो है तस्दीक हो चुकी थी। लेकिन ये तरीक़ाकार था जिससे हम पैसेंजर्स की, अपने हुजाज कराम की हमने बायो एप्लीकेशन की। बायो एप्लीकेशन के बाद जो हमारा अगला मरहला था वो था हज फॉर्म और जो हमारे एग्रीमेंट हैं जो हमने अपने हुजाज कराम के साथ एग्रीमेंट किए थे उनकी तस्दीक का अमल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में बड़े बेहतर अंदाज में उसका हमने इजरा किया और हुजाज कराम हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने फॉर्म की तस्दीक की, सिग्नेचर्स वगैरह लिए उनसे और जो हमारे हमने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ था उनके ऊपर हमने उनसे सिग्नेचर्स वगैरह लिए। तो ये वो मरहला है जो हमने अपने ऑफिस में कंप्लीट किया, पैसेंजर्स के साथ जो हमने एग्रीमेंट्स किए हुए थे उन पर उनके सिग्नेचर्स वगैरह लिए और उनके जो फॉर्म्स थे उनकी तस्दीक की। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि हमने किस तरह से मुसाफरों के सऊदी बायो एप्लीकेशंस के ऊपर फिंगर्स वगैरह लिए और जो हुजाज कराम थे उनके फॉर्म्स वगैरह हमने किस तरह से अपने ऑफिस में अटेस्ट करवाए और जो एग्रीमेंट हमने उनके साथ किया था वो किस तरह से अपने ऑफिस में अटेस्ट करवाए।